हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और दोस्तों, इसके पहले मैं एक वीडियो ऐसा बना चुका हूँ बीए के लिए, और ये दूसरा वीडियो है। तो ये बीए लेवल और बीए एमए एग्ज़ाम्स के लेवल का है, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको आने ही आने चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतने सरल क्वेश्चन ना आए, लेकिन कभी कभी 400 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको आने ही चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है सबके लिए, चाहे वो नेट हो, चाहे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, चाहे जीआईसी हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार कितने प्राथमिक संबंधों की श्रेणी में आते हैं, है ना? नातेदारी प्राथमिक श्रेणी में कितने लोग आते हैं? तो उसका आंसर है डी, 8 लोग आते हैं, है ना? 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक, 151 तृतीयक श्रेणी में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, श्रेष्ठ जन के बारे में किसने स्पेकुलेटर्स, रेंटियर्स, फॉक्स और लायन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है? तो किसने किया है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मिल्स, पैरेटो, मोस्का एंड सिप्स। तो इसका आंसर है बी, बी आंसर है इसका, पैरेटो ने यूज किया है, पैरेटो ने कहा है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्स वेबर ने किस प्रकार की सत्ता का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, चमत्कारिक सत्ता, व्यक्तिगत सत्ता, वैधानिक सत्ता और परंपरागत सत्ता। तो ये सबको मालूम है, ये व्यक्तिगत सत्ता का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। चौथा क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति के संबंध में मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ए, मैक्स वेबर, बी, टाइलर, सी, फ्रेजर, डी, मार्गन। तो मानववाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बी, टाइलर, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, ह्यूमन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बेसिक भी है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, माइकावर एवं पेज, अकबर एवं निमकाफ, किंग्सले डेविस, टालकॉट पार्सन्स। तो ह्यूमन सोसाइटी है आपकी, किंग्सले डेविस की फेमस है बुक ये। सिक्स क्वेश्चन है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, है ना, उत्तर औद्योगिक समाज के बाद की बात की गई है। तो ये बुक का नाम है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो किसने लिखी है? ए, एल्विन टाइलर, बी, डेनियल बेल, सी, रॉबर्ट डहल, डी, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर है बी, डेनियल बेल। सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे कहा जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बंद वर्ग, जाति, विलासी वर्ग की प्रजाति। तो इसका आंसर है बी, जाति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, निम्न में से कौन वैधता संकट की अवधारणा का प्रस्तुत करता है? वैधता संकट, तो ऑप्शंस हैं ए, डेनियल बेल, बी, रॉबर्ट डहल, सी, फ्रानोन, डी, कार्ल पापर। तो इसके हैं कार्ल पापर, इसका आंसर है डी, कार्ल पापर। नाइन्थ क्वेश्चन है, विलासी वर्ग के संबंध में विचार प्रस्तुत किए हैं, तो विलासी वर्ग के संबंध में किसने? तो ये हैं आपके ए, मार्क्स, बी, वेबलैन, सी, वेबर, डी, मैकाइवर। तो इसका सही आंसर है वेबलैन। टेंथ क्वेश्चन है, धर्म निरपेक्षता धर्म से बच निकलने का मार्ग है, ये किसने कहा है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, मानवेंद्रनाथ राय, बी, एम एन श्रीनिवास, सी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डी, इमाइल दुर्खीम। तो इसका आंसर है ए, मानवेंद्रनाथ राय। इलेवेंथ क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन बुक है, सरल भी है, जिनको ये नहीं पता है तो इनको पता होना ज़रूरी है, दी मदर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो दी मदर्स पुस्तक किसकी है? ए वेस्टरमार्क, बी ब्रिफॉल्ट, सी मार्गन, डी फ्रेजर। तो इसका सही आंसर है बी ब्रिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, सह प्रसविता या सह कष्टी प्रथा का प्रचलन है? तो इसका ऑप्शन है टोडा, मुंडा, गोंड, बैगा, मतलब किस जनजाति में है? तो इसका सही आंसर है ए टोडा जनजाति में, है ना, कोवेड सहप्रवेशता या सहकष्टी प्रथा का प्रचलन है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप, मतलब जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उसको वहाँ पे वो लोग जनजातियों में अलग रखते हैं, और जो वो जो कष्ट भोगती है उसी तरीके की कष्ट भोगने का, उसी तरीके की कंडीशन में उसका पति भी रहता है, सिंपल सी बात है। तो यही है सहप्रसविता या सहकष्टी, इंग्लिश में इसको कोवेड कहते हैं, तो टोडा जनजाति में ये प्रचलित है। 13 है, निम्न में से किसने जाति की उत्पत्ति के लिए अनुलोम विवाह को उत्तरदायी बताया है? अनुलोम विवाह को, तो ए केतकर, बी हट्टन, सी रिजले, डी डॉक्टर घुरी। तो रिजले ने बताया है जाति की उत्पत्ति के लिए अनुलोम विवाह को उत्तरदायी, सी रिजले ने बताया है। 14th क्वेश्चन है, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, तो किसने कहा ये? तो ये कथन है ए मर्डॉक, बी मैलनोवस्की, सी लूसीमेयर, डी बोगार्ट्स। तो ये कथन है बी मैलनोवस्की का। 15th क्वेश्चन, सामाजिक मानव शास्त्र का परिचय, ये एक बुक का नाम है, सामाजिक मानव शास्त्र का परिचय नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए मजूमदार एवं मदन, बी मैलनोवस्की, श्यामाचरण दुबे, जेम्स फ्रेजर। तो इसका आंसर है ए मजूमदार एवं मदन ने ये बुक लिखी है, सामाजिक मानव शास्त्र का परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके, तो ये किसका कथन है? ए मैकाइवर एवं पेज, बी ऑकबर्न, सी वीरस्टीड, डी डेविस। तो ये इसका आंसर है ए मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप कैसा था? वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप कैसा था, मतलब शुरुआत में परिवार कैसा था वेस्टरमार्क के अनुसार। तो उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं, मातृसत्तात्मक, समूह विवाही, एक विवाही, यौन साम्यवादी। तो इनके अनुसार आंसर है सी एक विवाही। 18वां क्वेश्चन है, शक्ति जब वैधानिक हो जाती है तब उसका रूप हो जाता है? ए निरंकुश, बी सत्ता, सी प्रभाव, डी उदंड। तो शक्ति को जब लीगल पावर मिल जाता है तो उसको कहते हैं सत्ता, बी इसका आंसर होगा बी सत्ता। 19th क्वेश्चन है, विवाहोपरांत व्यक्ति जिस परिवार की स्थापना करता है उसे कहते हैं? ए जन्ममूलक परिवार, नवस्थानीय परिवार, मातृ पितृस्थानीय परिवार, या प्रजनन मूलक परिवार। तो विवाह के बाद की बात हो रही तो ये है प्रजनन मूलक परिवार, इसका आंसर डी है सही। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां, विवाह स्त्री एवं पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, तो ये किसने कहा है? जो विवाह है स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए एक संस्था है विवाह, किसने कहा है? तो चार ऑप्शन है बोगार्ट्स, लीसुमियर, वेस्टरमार्क और मर्डॉक। तो इसका सही आंसर है ए वेस्ट बोगार्ट्स। तो दोस्तों पहले वाले में 25 क्वेश्चन थे, अभी मैंने इसमें 20 ही क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो एडिटिंग वगैरह में और लोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें,
और अपनी राय भी दें जिससे मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और मेरे चैनल को अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तब भी, और नहीं करते हैं तब भी दोस्तों, आपको वेरी वेरी मच थैंक यू।